ये देखिए हमारा खमन ढोकला, इसका कलर देखिए आप, कितना अच्छा कलर इसका आया है और कितना स्पंजी है ये। मैं आपको दबाकर दिखाता हूँ, ये देखिए है ना एकदम स्पंजी। और इसकी जाली देखिए आप, कितनी बढ़िया जाली आई है, यानी कि कितना स्पंजी है ये आप देख सकते हैं। ऐसा ही ढोकला आज हम बनाना सीखेंगे घर पर काफ़ी सरल तरीके से, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एक बाउल, एक बड़ा बाउल लिया है मैंने, और इसमें डालेंगे हम बेसन। तो बेसन मैंने यहाँ पर लिया है 125 ग्राम, अगर कप से मापते हैं तो एक छोटा कप है, और बेसन कोशिश कीजिए बारीक वाला ही हो, मैंने यहाँ नॉर्मल वाला लिया है। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें सूजी, सूजी है यहाँ पर 20 ग्राम, सूजी यहाँ पर टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं डालूंगा इसमें नमक, नमक डाल रहा हूँ मैं स्वाद के अनुसार आधी छोटी चम्मच, और है मेरे पास पाउडर शुगर 1 छोटी चम्मच, चीनी को मैंने पहले पाउडर बनाकर डाला है, और डालेंगे हम हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, और इसके साथ ही मेरे पास है ये यहाँ पर लेमन जूस, 1 छोटा नींबू था उसका मैंने रस निकाल लिया है, यानी कि जूस निकाल लिया। और सबसे पहले हम जो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से, तो ये मिला लेते हैं हम, तो सबको मैंने मिला लिया है। और अब क्या करेंगे, इसमें हम अपना लेमन जूस डाल देंगे, तो 1 चम्मच लेमन जूस है ये मैंने डाल दिया है। इसके साथ ही मैं डालूंगा इसमें दही, तो 1.5 चम्मच जितना मैं दही डाल दूंगा, तो दही डालने के बाद मिला लेंगे अच्छी तरह से, तो मिला लेते हैं एक बार और दही डालने के बाद, तो सारी सामग्रियों को हमने मिला लिया है आप देख सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बैटर तैयार करेंगे, बैटर ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा होगा, कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हमारा ये देखिए थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं, जिससे कि कोई लम्स ना रहे इसमें, और बेसन हमेशा छान कर ही लें, मैंने छान कर ही लिया है। और ये देखिए अब डालेंगे इसमें रिफाइंड तेल, आधी छोटी चम्मच ना मैंने रिफाइंड तेल डाला है, और मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो मिलाने के बाद ये देखिए आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ कि कितना पतला होना चाहिए या कितना गाढ़ा, मैं आपको स्पून से भी दिखाता हूँ। तो पहले इससे मैं दिखाता हूँ कि देखिए इतना पतला है, अब मैं आपको स्पून से दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला है ये ना ज़्यादा गाढ़ा है। और अब क्या करेंगे, इसे ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढककर साइड में रख देते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, प्लेट लेते हैं, प्लेट से मैंने एक ऐसी थाली ली है जिससे मैं इसमें खमन बना सकूं, ढोकला बना सकूं। आप कोई भी केक टिन ले सकते हैं, इसमें हम डालेंगे रिफाइंड तेल, तो 1 छोटी चम्मच मैंने रिफाइंड तेल डाला है, और इसे ब्रशिंग कर देंगे हाथ से, हाथ से फैला देंगे चारों तरफ रिफाइंड तेल को, चिकना कर लेंगे अपने बर्तन को जिसमें आप खमन ढोकला बना रहे हैं। और अब क्या करेंगे, अब अपना बैटर देख लेते हैं, 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो 15 से 20 मिनट में मैं चेक कर लेता हूँ, बैटर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और हम डालेंगे यहाँ पर इनो सॉल्ट, ये दोनों और चाहिए हमें, बेकिंग पाउडर और इनो सॉल्ट। सबसे पहले मैं लेता हूँ बेकिंग पाउडर, स्पून से ले रहा हूँ, आधी छोटी चम्मच जितना है ये मैं डाल दूंगा इसमें, तो मैंने डाल दिया है। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें इनो सॉल्ट, तो इनो सॉल्ट यहाँ पर 1 छोटी चम्मच का आधा हिस्सा है, यानी कि आधी छोटी चम्मच है, तो दोनों को डालने के बाद मिलाएंगे, ज़्यादा देर तक नहीं मिलाना है। ये देखिए फ्लफी हो गया है एकदम, हमारा बैटर तैयार है, ज़्यादा देर तक हमें बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। और अब क्या करेंगे, जिस प्लेट में हमने ऑयल से ब्रशिंग की थी उसमें से डाल देंगे। अगर आप कोई किसी कटोरी में या किसी बाउल में बना रहे हैं, स्टील के बर्तन में, सिल्वर के बर्तन में या केक टिन में, तो उसमें आप उस बैटर को डाल दीजिए। तो बैटर हमने डाल दिया है, लेकिन इससे पहले मैंने क्या किया था, अपने बर्तन में पानी गर्म करने रख दिया था, तो मैंने एक पैन लिया था, उसमें मैंने इसे गर्म किया है पानी को, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पहले से मैंने पैन में पानी गर्म करने रख दिया है, और इसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया है, अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई भी कटोरी रख सकते हैं, स्टील की कोई भी बर्तन रख सकते हैं आप इसमें। और इसमें हम रखेंगे अपना बैटर जो कि हमने बर्तन में डाल के रखा हुआ है, और ढककर रख देंगे फटाफट से, और 12 से 13 मिनट में हमारा जो है खमन ढोकला बनकर तैयार हो जाएगा। गैस यहाँ पर हम लो टू मीडियम, लो और मीडियम के बीच में ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे, और 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हमारा ढोकला तैयार है कि नहीं। तो 10 मिनट हो गए हैं, मैं इसे एक बार खोल कर चेक कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं एक नाइफ़ या टूथपिक से करेंगे, तो मैं एक नाइफ़ ले लेता हूँ। जब मैं इसके अंदर इसे डाल रहा हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा बैटर इसमें आ रहा है, यानी कि अभी हमारा जो ढोकला है वो तैयार नहीं है, तो इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे, तो 2 से 3 मिनट तक और पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट तो हो गए हैं, चेक कर लेते हैं, तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा खमन ढोकला बनकर तैयार है। आप अपना ज़रूर चेक कर लें 2 बार 3 बार कि आपका खमन ढोकला बनकर तैयार है कि नहीं। इसे मैं बाहर निकाल लूँगा, गैस मैंने कर दी है बंद, ठंडा होने के बाद हम इसे काटेंगे अपने अनुसार छोटे बड़े साइज़ में। तो मैं प्लेट से बाहर इसे नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि प्लेट पे मैंने ऑयल से ब्रशिंग की थी जिसकी वजह से ये चिपकेगा नहीं नीचे, और इसे मैं काट लूँगा छोटे छोटे टुकड़ों में, चौकुर चौकुर इस तरह से काट लेंगे।
अभी हमारा खमन ढोकला पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं है क्योंकि हमें अभी तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है एक तड़का पैन और गैस कर दी है ऑन, और इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 छोटे चम्मच इतना रिफाइंड तेल। जैसे ही गर्म होता है इसमें हम डालेंगे राई, तो राई मैंने डाल दी है, राई चटक गई है, खुशबू आ रही है राई के भुनने की। इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्ची, तो ये 3 हरी मिर्ची थी जिसे मैंने चीर के काटा हुआ है। और इसमें डालेंगे पानी, आधा कप जितना पानी डालना है, पानी मैंने डाल दिया है। और साथ ही मैं डालूंगा इसमें 2 छोटे चम्मच चीनी, जी हाँ चीनी डालना है, चीनी डाल दी है हमने। और जो हमारा जो चाशनी है, जो हमारा तड़का है, वो बनकर तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं। गैस कर देंगे बंद क्योंकि हमारा जो तड़का है खमन ढोकला के लिए वो तैयार है। थोड़ा मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा जो तड़का है वो रेडी है। अब बस क्या करना है, इस तड़के को खमन ढोकला के ऊपर डालना है। गरम गरम ही डालेंगे, ठंडा नहीं डालेंगे हम। और हमारा जो ढोकला है ना वो भी हल्का सा गर्म होना चाहिए, पूरा ठंडा नहीं करना है। बस अब गार्निश करेंगे हरे धनिए से, बारीक कटा हुआ हरा धनिया है ये मेरे पास, इससे मैं गार्निश कर रहा हूँ। आप चाहें तो नारियल को कद्दूकस करके भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा खमन ढोकला बनकर तैयार है। मैं एक पीस आपको दिखा भी रहा हूँ हाथ में लेकर, ये कितना स्पंजी है, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, एकदम मार्केट जैसा, ऐसे बाजार में मिलता है ना उससे भी अच्छा है, ये टेस्टी है खाने में। और कितना आसान है तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया आज, तो आप इसे ज़रूर बनाइए खमन ढोकला को। और खमन ढोकला की वीडियो लेकर आऊँगा, रवा ढोकला, दाल ढोकला, बहुत सारी रेसिपी लेकर आऊँगा। अभी तो केवल शुरू हुआ है वीडियोज़ का सिलसिला, आगे चलता रहेगा। अभी के लिए केवल इतना ही, तब तक आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कोई सवाल हो कोई सुझाव हो तो कमेंट्स के जरिए बता देना, और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।